देख सकते हो कि ये तस्वीरें हैं मिर्जा राजा जय सिंह और इसके अलावा शिवाजी महाराज की। तो भाइयों आप सभी देखिए कि इसमें जो अणक है जो सूर में है वो कौन दिख रहा है दोनों में से। तो भाइयों आप सभी खुद तस्वीर देख सकते हो कि राजपूत अणखी मुछे फैलाए कैसे सूर में शिवाजी महाराज के सामने खड़े हुए हैं और शिवाजी महाराज इस वक्त सरेंडर कर रहे हैं। इस वक्त अपने आप को वो सरेंडर कर रहे हैं, वो युद्ध हार बैठे थे। ये युद्ध हुआ था पुरंदर का युद्ध, बैटल ऑफ पुरंदर, आप जाइए सर्च करिए। शिवाजी महाराज ने खुद सिंधी करी थी, जो लोग क्षत्रियों पर सवाल उठाते थे ना उनके सामने हार गए। हार जीत चली रहती है, कोई इसमें बहुत दोराई नहीं है, लेकिन सिंधी की थी, बैटल ऑफ पुरंदर में की थी, ये इतिहास है। और आप सभी देखिए कि पुरंदर में बहुत अच्छे से तबाही मचा दी थी राजा जय सिंह ने और कैसे राजपूती मूछों के साथ फैलाए हुए। युद्ध युद्ध होता है और लड़ाके लड़ाके होते हैं, वो किसी के साथ भी लड़ रहे हो किसी के अंडर भी लड़ रहे हो, जो लड़ाके होते हैं वो हमेशा लड़ाके ही कहलाते हैं। वो राजपूत सूर में थे जिन्होंने शिवाजी महाराज को पूरी तरह से हराया था और बदले में 23 किले हरा दिए थे शिवाजी महाराज के। बैटल ऑफ पुरंदर में शिवाजी महाराज ने खुद संधि करी और उसमें क्या लिखा गया है आप सभी पढ़ सकते हो कि संधि में उसमें लिखा गया है 11 जून 1665 में जो संधि हुई थी इसमें 4 लाख रुपया पे किया था उन्होंने। और इसके अलावा उनका जो बेटा था उन्होंने अपने बेटे संभाजी को मुगल सरदार बना, मेरा बेटा मुगल सरदार होगा, मुगलों का सरदार बनेगा और मुगल कोर्ट में औरंगजेब के लिए लड़ेगा, बीजापुर के खिलाफ लड़ेगा। तो भैया जय बहादुरी क्षत्रियों ने दिखाई थी। अब बोलो मिर्जा राजा जय सिंह खतरनाक या कोई और खतरनाक।